हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नीलम की रेसिपी और मैं हूँ नीलम। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपके को फिर से एक लवली सा सैलड डेकोरेशन जो बहुत ही यूनिक है हमेशा की तरह। तो चलिए आप, मैं सैलड डेकोरेशन आपको कटिंग के साथ बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मैं सैलड कट करते हुए दिखाऊँ। तो यहाँ देखिए, मैंने पर्पल कैबेज लिया है और इसको मैं पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लूँगी। आप देख रहे हैं मैं इसके एक एक रैपर को बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि ये जो सैलड है उसके लीफ जो होते हैं उनके मुझे जब कुछ डिज़ाइन बनाने रहते हैं तो अगर बीच से मैं कट कर दूँगी तो वो फिर डिज़ाइन नहीं मैं बना पाऊँगी, इसलिए उनके एक एक लेयर निकाल के और मैं डिज़ाइन इस तरह पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेती हूँ। ये देखिए, इससे क्या होगा कि आपका जो ये कैबेज है वेस्ट नहीं होगा और इजली आप इसको यूज़ में ला सकती हैं। तो इस तरह मैं थोड़े छोटे छोटे पीसेस करके और टुकड़ों करके एक साथ लेके और उनके पतले पतले स्लाइसेस करके और मैं इनको सैलेड के लिए बनाती हूँ इस तरह। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप मेरे पूरे वीडियो को देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही ऐसी वीडियोज़ बताने वाली हूँ इन सभी को, किस तरह मैं कट करती हूँ, कैसे कट करती हूँ कुकुम्बर को, कैसे कट करती हूँ और ये जो हमारा कैबेज है उसको कैसे कट करती हूँ, टोमेटो को मैं कैसे कट करती हूँ, हर चीज़ को मैं इसमें बारीकी से आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को कीजिएगा हमेशा की तरह हिट, ताकि जो मेरी वीडियोज़ है उसकी लवली लवली नोटिफिकेशन आप मिस ना कर दें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट भी बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको मेरे वीडियोस, मेरे डेकोरेशन, मेरे रेसिपीज कैसे लगते हैं, क्योंकि आप लोग के एक लाइक एक कमेंट हमें जो है बहुत अच्छा लगता है देख के पढ़ के, और हमें अच्छा लगता है इन सभी से और आइडियाज़ आते हैं और कुछ और अच्छा करने का मन करता है आप लोगों के लिए। तो चलिए बस इंजॉय कीजिए आप लोग मेरे पूरे वीडियोस को और देखते रहिए। और मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों के लिए कटिंग वगैरह साथ में मैं दिखा सकूं, होता है ये थोड़ा सा हार्ड मेरे लिए, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए तो कर ही सकती हूँ इतना। तो इस तरह मैंने देखे कैबेज यहाँ पे कट कर लिया साइड में, और कुकुम्बर, मैंने कुकुम्बर भी मार्केट में दो तरह के आते हैं, एक आपको चाइनीज़ कुकुम्बर आता है और एक नॉर्मल कुकुम्बर आता है। तो यहाँ पे ज़्यादा मैं सैलेड में चाइनीज़ कुकुम्बर यूज़ करती हूँ, क्योंकि विंटर के सीज़न में आपको जो नॉर्मल कुकुम्बर होता है ज़्यादा नहीं मिल पाता है।
तो ये बताया मैंने आपको लवली सा सैलड डेकोरेशन जो बहुत ही खूबसूरत है, यूनिक है, सिंपल है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैंने बहुत बारीकी से बताया आपको और इसे आप झटपट से बना सकती हैं जिससे कि आपका प्लेट लगेगा बहुत ही सुंदर। तो आपको मेरा डेकोरेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके आप मुझे बताइएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए किसी नए, किसी और यूनिक और अच्छे सिंपल डेकोरेशन और रेसिपीज़ के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।